इमाम अली अलैहि सलाम लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस सुना रहे थे कि इतने में कोई पूछने लगा, या अली, जिना करने वाले की जिंदगी में कौन सी मुसीबतें शामिल होती हैं? बस जैसे ही ये पूछा गया तो इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ बंदा ए खुदा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से सुना कि जिना करने वाले की जिंदगी में पांच चीजों को रख दिया जाता है। वो पूछने लगा, या अली, वो कौन सी चीजें? इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, जिना करने वाले के चेहरे से अल्लाह अपनी रहमत का मुंह मोर लेता है और वो इंसान बेआबरू होके जिंदगी गुजारता है। दूसरा, उसके रिस्क में दिन ब दिन कमी और रकाबतें आने लगती हैं। यूं वो मुफलसी और परेशानी की दलदल में दंसता जाता है। और तीसरा, उसकी उम्र और सेहत दिन ब दिन कम होती जाती है। और चौथा, अल्लाह ऐसे इंसान के नेक अमाल कबूल नहीं करता और अल्लाह ऐसे इंसान से नाराज रहता है। और पांचवा, अल्लाह अपने फरिश्तों से वादा करता है कि इसके मुकद्दर में दोजख की आग लिख दी जाए और यूं जिना करने वाला अपने हाथों से ही अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर बैठता है।